नमस्कार, जय हिंद साथियों। देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस का जीके का एक और टॉपिक राजस्व। ये राजस्व परिषद या कह सकते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका। तो सबसे पहले राजस्व के बारे में जानते हैं क्या है क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। कुछ क्वेश्चन लास्ट में कराएंगे। तो सबसे पहले राजस्व के बारे में समझते हैं क्या है राजस्व। तो राजस्व सचिव, सबसे पहले इसमें राजस्व सचिव के बारे में समझते हैं। राजस्व सचिव के कितने भाग हैं? पांच। क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में कि राजस्व सचिव के कितने भाग हैं, तो पांच भाग। कितने भाग? कितने हैं भैया? पांच भाग हैं। पहला भाग क्या है? राजस्व परिषद। क्या है? राजस्व परिषद। यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि राजस्व परिषद के बारे में अंदर से क्वेश्चन बनेगा, उसको हम पढ़ाएंगे डिटेल के माध्यम से। इसके बाद है चकबंदी आयुक्त। क्या है? चकबंदी आयुक्त, मतलब चकबंदी के बारे में पढ़ना है। चकबंदी कब आई, कब गई, कब लागू हुई, ये सब आपको पढ़ाएंगे धीरे धीरे। देखिए अभी अभी पढ़ाएंगे। इसके बाद है आपका राहत आयुक्त। राहत आयुक्त से क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनता है। इसके बाद है भूमि निदेशक। भूमि के बारे में निदेशक करने वाले, भूमि निदेशक। इसके बाद है जिला गेजेटियर। क्या है? जिला गेजेटियर। तो ये पांच भाग हैं आपके, किसके? राजस्व सचिव के पांच भाग हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन खूब पूछता है। कभी कभी एक दो क्वेश्चन आने का संभावना है, ज़्यादा नहीं आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है आएगा। ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है और कहीं से खोजेंगे मिलेगा भी नहीं आपको, किसी किताब में जल्दी दिया नहीं रहता है। ये किताब बड़ी मुश्किल से मैंने इसको 5-7 जगहों से खोज खोज के बनाया हूँ। ठीक है, बड़ा मेहनत लगा इसमें, वीडियो बनाने में 2-3 दिन लगा है। तो वीडियो भाई अच्छी लगेगी पक्का, आप लाइक करिएगा। आइए तो साथियों, सबसे पहले है आपका राजस्व परिषद, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है राजस्व परिषद। यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। तो राजस्व परिषद का गठन जो हुआ था आपके 1831 ईस्वी में, 1831 में हुआ था आपके इलाहाबाद में, जिसे हम प्रयागराज बोलते हैं। 1831 ईस्वी में इसका गठन हुआ था आपके प्रयागराज या इलाहाबाद में। ठीक है, यह पहले एक ही भाग था राजस्व परिषद के नाम से, अब ये दो भागों में विभाजित हो गया था। उसके बाद पहला हुआ था प्रशासनिक विभाग और दूसरा हुआ न्यायिक विभाग। ठीक है, पहला क्या है? प्रशासनिक विभाग, दूसरा न्यायिक विभाग। क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में कि राजस्व परिषद का, प्रशासनिक विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? कहाँ पर है आपका मुख्यालय? लखनऊ में है। न्यायिक विभाग का मुख्यालय, न्यायिक क्या है? प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में। तो इसको याद करने के लिए देखिए बैठा लीजिए, न्यायिक मतलब न्याय वाला कार्य कहाँ से होता है? आप जानते हैं कि हमारे प्रयागराज में क्या है? हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से क्या होता है? न्यायिक कार्य होते हैं, न्यायिक वाले कार्य होते हैं। तो न्यायिक विभाग का मुख्यालय प्रयागराज में। और प्रशासन वाले कार्य कहाँ से होते हैं? मुख्यमंत्री का आवास वास जिसे, वो सब कार्य कहाँ से होते हैं? लखनऊ से होता है। तो प्रशासन वाले कार्य लखनऊ से होता है, तो प्रशासनिक विभाग का मुख्यालय आपके लखनऊ में। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, पूछेगा हो सके तो। ठीक है, कि राजस्व परिषद के न्यायिक विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपके प्रयागराज में। क्वेश्चन पूछेगा राजस्व परिषद के प्रशासनिक विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? कहाँ पर है? लखनऊ। अब जो है सदस्यों की संख्या देख लेते हैं। देखिए प्रशासनिक विभाग में सदस्यों की संख्या कितनी है? 2 है, जबकि न्यायिक विभाग में सदस्यों की संख्या 7 है। कितनी है? 7। तो प्रशासनिक, प्रशासन की बात कहेगा तो 2, और न्यायिक, न्यायिक मैंने न्याय देना है, बहुत ज़्यादा संख्या चाहिए न्यायिक कार्य करना भैया, तो 7 की जरूरत पड़ेगी। 7 दिन न्याय देना होता है, न्यायिक कार्य जो है 7 दिन होता है, तो सदस्यों की संख्या 7 है। प्रशासनिक 2 लोग संभाल लेते हैं भाई, तो सदस्यों की संख्या कितनी है? 2 है। ठीक, अब देखिए प्रशासनिक विभाग में अनुभाग की संख्या कितनी है? 19 है। प्रकोष्ठ कितने हैं? 14। और न्यायिक विभाग में अनुभाग की संख्या केवल 2 है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था कि राजस्व परिषद के प्रशासनिक विभाग में अनुभाग और प्रकोष्ठों की संख्या कितनी है, एक बार आपके एग्जाम में आ चुका है। डायरेक्ट क्वेश्चन दोनों मिला था ऑप्शन में, अनुभाग कितने हैं? 19 है। प्रकोष्ठ कितने हैं? 14 है। देखिए इसका अनुभाग 1, 2, 3, 4, 5 है, लेकिन कोई पढ़ाता भी नहीं है,
और उत्तर प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, हो सके तो पूछ भी सकता है, तो एक दो हम जो इम्पोर्टेंट है उसको हम बता देते हैं अभी। और ये लेखपाल वेखपाल में पूछता है कि अनुभाग वन में क्या है, अनुभाग दो में क्या है, अनुभाग तीन में क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है कहीं कहीं। प्रशासनिक विभाग के अनुभाग की संख्या कितनी है, 19 है। तो उसमें सबसे पहले अनुभाग वन में क्या है, क्या बताया गया है, आपका है भूमि व्यवस्था को लागू करना। इन्होंने अनुभाग वन में क्या किया कि भूमि व्यवस्था को लागू किया जाएगा। सबसे पहले अनुभाग वन में भूमि व्यवस्था को लागू किया जाएगा, उसी में है जमींदारी का अनुमूलन, जो भी जमींदार हैं उनका क्या किया जाएगा, अनुमूलन कर दिया गया। तो अनुभाग वन में क्या है, भूमि व्यवस्था को लागू करना और जमींदारी का अनुमूलन किया गया। अनुभाग नंबर दो में क्या है, वृक्षारोपण कार्य करना, वृक्षारोपण अनुभाग नंबर दो में है, वृक्षारोपण कार्य करना, क्या है, वृक्षारोपण कार्य करना। तो ये दो अनुभाग आपके एग्जाम के लिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अनुभाग वन अनुभाग दो। अनुभाग इसी तरह से आठ देख लीजिए थोड़ा सा, क्या है, चकबंदी। अनुभाग क्या है, आठ जो है चकबंदी के बारे में है, अनुभाग आठ, ठीक है। तो अनुभाग वन दो और आठ याद कर लीजिएगा, यही इंपॉर्टेंट हमको लगा, मैंने अनुभाग सब देखा है, ठीक है। और ज़्यादा जानने के लिए किताब पढ़ सकते हैं। लेकिन दूसरा है आपका चकबंदी आयुक्त, इसके बारे में समझते हैं। देखिए चकबंदी आयुक्त का अधिनियम 1953 ईस्वी में आया था, कब, 1953 में इसका अधिनियम आया था, अधिनियम चकबंदी आयुक्त अधिनियम 1953 में आया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में 1954 में लागू हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा यूपी में चकबंदी कब लागू हुआ था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1954 सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में 1954 जो है में चकबंदी आयुक्त लागू हुआ था। देखिए उत्तर प्रदेश में आपका चकबंदी लागू हुआ था सर्वप्रथम कैराना में और मुसाफिर खाना में, जो कि कैराना जो है आपके मुजफ्फरनगर में पड़ता है और मुसाफिर खाना सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब जो है वर्तमान में जो कि कैराना जो है आपके वर्तमान में जो है यह है शामली में पड़ता है, कहाँ पर, शामली में, और मुसाफिर खाना जो पड़ता है जो कि इस समय जनपद इस समय इसका है आपका अमेठी में, कहाँ पर, वर्तमान समय में अमेठी में, ये शामली में, ठीक। पुराना ये था, अब बदल गया है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा तो आपका राइट आंसर यही होगा, ठीक। देखिए पूरे यूपी में जो है 1958 ईस्वी में चकबंदी लागू कर दी गई, पूरे यूपी में, कब, 1958 ईस्वी में पूरे उत्तर प्रदेश में चकबंदी 1958 में लागू कर दी गई थी, जो कि अब तक जो है चकबंदी पूरे उत्तर प्रदेश में एक बार, हर जिले में एक बार चकबंदी हो चुकी है, ठीक है। इस तरह से चकबंदी आयुक्त आपका क्लियर होता है। आइए आगे देखते हैं और कुछ क्वेश्चन, आइए कुछ शब्दावली देखते हैं। सबसे पहले शब्दावली है आबादी देह क्या होता है, गांव का बसा हुआ क्षेत्र को आबादी देह कहते हैं, क्या कहते हैं, आबादी देह। जमाबंदी खतौनी क्या होता है, कोष्टक में खतौनी क्या है, जमीन का मालिकाना हक, जमीन जिसका रहेगा उसी का खतौनी उसको दिया जाता है, तो जमीन का मालिकाना हक को क्या बोलते हैं, खतौनी बोलते हैं। लाल किताब क्या होती है, गांव की भूमि का संपूर्ण जानकारी रहती है उसमें, गांव की भूमि की संपूर्ण जानकारी किसमें होती है, लाल किताब में होती है। अगला है खसरा गिरदवारी क्या होता है, तो लगान रजिस्टर को हम बोलते हैं खसरा गिरदवारी, क्या, खसरा गिरदवारी, ठीक है। तो इस तरह से कुछ जो है शब्दावली हैं। इसके बाद सुआ क्या होता है, सुआ पैमाने के लिए 2 फुट की सरिया को बोलते हैं सुआ, पैमाने की जो पैमाइश होती है उसके 2 फुट की सरिया होती है उसे बोलते हैं सुआ। अगला है गिरदवार क्या होता है, लेखपाल के संपूर्ण कार्यों का निरीक्षण करने वाला क्या बोलते हैं, गिरदवार बोलते हैं। फर्द क्या होता है, एक नकल होती है उसे क्या बोलते हैं, फर्द बोलते हैं। अब देखिए कुछ जो है सजरा क्या होता है, सजरा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सजरा क्या होता है, गांव के नक्शा को क्या बोलते हैं, सजरा बोलते हैं, गांव का जो नक्शा होता है उसे क्या बोलते हैं, सजरा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, गांव के नक्शा को बोलते हैं सजरा, मतलब सजाना, गांव के नक्शे को क्या करना, सजाना, सजरा, ठीक है। इस तरह से आपका क्लियर हुआ कुछ आपके शब्द। आइए साथियों देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि तहसील स्तर पर सरकारी निकाय को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है,
पंचायत समिति कहा जाता है। क्या कहता है? पंचायत समिति। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, कहता है यूपी में मूल्यवर्धित कर वैट लागू हुआ था कब? 1 जनवरी 2008 में, जो कि मूल्यवर्धित कर वैट लागू हुआ था 1 जनवरी 2008 में। क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी राज्य के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? क्या है? राजस्व, उसका राजस्व। ठीक है, क्या है? राजस्व। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नई कृषि नीति कब लागू की गई थी? कब? 2013 में नई कृषि नीति लागू की गई थी, 2013 ईस्वी में। चकबंदी विभाग का क्या कार्य है? चकबंदी विभाग का क्या कार्य है? किसान की जोत को एकत्रित करना, किसका काम है? चकबंदी विभाग का कार्य है। ठीक है, तो साथियों कुछ और क्वेश्चन है उसको देखते हैं अभी। कहता है किसी राज्य के विकास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो क्या है? किसी राज्य का विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? उसका राजस्व। क्या? राजस्व। राइट आंसर क्या होगा? राजस्व। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी राजस्व विभाग का प्रमुख प्रशासक होता है? कौन होता है? आपका राजस्व सचिव जो होता है, यह राजस्व विभाग का प्रमुख प्रशासक होता है। कौन? राजस्व सचिव। राइट आंसर क्या होगा? राजस्व सचिव। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व विभाग के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण विभाग अध्यक्ष है? बताइए। राजस्व परिषद, बताए थे राजस्व परिषद सबसे इसमें महत्वपूर्ण है आपको पांचों में से। राजस्व परिषद का प्रशासनिक कार्यालय लखनऊ में अवस्थित है, बताए हैं अभी, जबकि राजस्व परिषद का न्यायिक कार्यालय कहाँ पर स्थित है? आपके इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का स्थापना की गई थी? किस वर्ष राजस्व परिषद की स्थापना की गई थी? तो आपके 1831 ईस्वी में। कब? 1831 ईस्वी में राजस्व परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन ये सब इम्पोर्टेंट है भाई, पढ़ा दिए सब, बस उसी क्वेश्चन को बता रहे हैं। आगे है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष चकबंदी योजना की शुरुआत की गई थी? कब की गई थी? 1954 ईस्वी। कब? 1954 ईस्वी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सब। क्या क्वेश्चन? उत्तर प्रदेश में राजस्व के भू अभिलेखों के रख रखाव का उत्तरदायी किसे सौंपा गया है? भू अभिलेखों का रख रखाव का उत्तरदायी जो है जिला अधिकारी को सौंपा गया। किसको? जिला अधिकारी को। ठीक, राइट आंसर क्या होगा? जिला अधिकारी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से सभी आपके क्वेश्चन जो है क्लियर हुए, और इनसे जितने भी क्वेश्चन बने हैं आपको लगभग करा दिए हैं। ठीक, ये आपका लगभग चैप्टर समाप्त होता हुआ। देखिए, उत्तर प्रदेश राजस्व में हमने पढ़ा दिया आज। इसके बाद पढ़ा है योजना, वाणिज्य कृषि, जनसंख्या, पर्यावरण, नागरिकता, भारतीय कृषि। इतने चैप्टर और बचे हैं, जो कि जल्द ही हर वीडियो लेकर आएंगे। एक एक दिन का समय लगेगा, कम से कम 1-2 दिन पढ़ना पड़ता है, खोजना पड़ता है, अच्छी चीज़ों को एकत्रित करना पड़ता है, उसके बाद पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि जो अच्छी चीज़ें हैं उसी को आपको हमको देना है। ठीक, तो इसके लिए थोड़ा सा समय लगता है भाई, और इसमें ड्यूटी भी करना होता है हमको, तो इसीलिए अभी देखो ड्यूटी पे जाना है हमको जल्दी में, लेकिन वीडियो हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।